राधे राधे भगवान जी। छठे अध्याय का 29वां श्लोक है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जैसे भी गुरु जी की वाणी चली ही कि सब लोग जो हैं वो सत्संग सुनते तो हैं पर फंसे माया में ही रहते हैं। तो हम भी अपने मन को देखें कि हम चल तो रहे हैं सत्संग में, सत्संग सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, पर हमारा मन कितना भगवान में लगता है, कितने हमें भगवान अच्छे लगते हैं, कितने मीठे लगते हैं। हमारा मन विषयों में तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता, हमारा मन फंसा हुआ तो नहीं है, नो कर पाते हैं हम, या माया हमें अच्छी लगती है, माया में हमारा बहुत आकर्षण है। धीरे धीरे हमें सब चीज़ों से हमारा मन हटता जाए, हमें वैराग्य आता जाए, हमारी आसक्तियाँ कम होती जाए, हमारा मैं मेरापन कम होता जाए। अगर हम गुरु की महिमाओं को जानें तो अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद करें, हम कैसे आए थे सत्संग में। सबसे पहले जब हम गुरु के पास आते हैं तो गुरु कहते हैं संकल्प करो मेरा जीवन निष्काम ही बने, मेरे मन में कोई कामना ना हो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, हर एक किसी को अपने मार्ग में बढ़ना है, हर एक किसी को मुक्ति हासिल करनी है। जैसे एक कुएं पर बहुत सारे लोग मिलते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं अपना पानी भर के। जैसे ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठते हैं, दोस्ती भी हो जाती है, तो फिर सब अपने अपने रास्ते पे उतर जाते हैं। ऐसे ही संसार में एक घर में बहुत सारे लोग अलग अलग जो अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। एवरी सोल इज़ ऑन अ जर्नी, हर जीव अपनी यात्रा कर रहा है। वो एक घर में मिल जाते हैं, कोई माता पिता बन जाते हैं, कोई बच्चे बन जाते हैं, सब अपनी अपनी राह पे, सबको अपनी अपनी राह तय करनी। हम मान लेते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ठीक है, रोल में सब घर परिवार सब हमारा सब है, पर वास्तव में अगर देखें तो सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं। एवरी सोल इज़ ऑन अ जर्नी। अब हमें क्या करना है, किसी में आसक्ति नहीं करनी है और अपना मन भगवान में लगाना। हमें भगवान मीठे लगे, हमें भगवान अच्छे लगे, हमारा मन भगवान में लगे, हमें रात दिन उन्हीं की ओर हमारा ध्यान रहे, हमारा मन संसार में ना लगे, संसार की बातों में ना लगे। तो अब हम अपने श्लोक पे आते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे हमें अपने शरीर में, है ना, हमारा शरीर है तो हमें अपने शरीर में हर जगह हम मैं ही दिखता हूँ। जैसे आँख में चोट लग जाए तो मेरी आँख मेरी है ना, मैं हूँ ना, मेरी है, मतलब मैं तो क्या, मैं मेरी आँख है। पैर में लग गई तो मेरा पैर है, हाथ, सब जगह हम अपना आप ही दिखता है, है ना। शरीर में, अपने शरीर में हमें सब जगह अपना आप ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार पूरे शरीर में ये सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर, ऐसे समझ लीजिए, ये भगवान का विराट रूप है। तो योगी जो है वो जो जानता है जैसे इस शरीर में मैं ही मैं हूँ, ऐसे इस पूरे संसार में भगवान ही भगवान है। अम्मा जी ने तो हमें पहले दिन ही रटा दिया कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अम्मा, हम तो गीता में पढ़ते हैं, शास्त्र कह रहे हैं, अम्मा जी ने तो अनुभव कर लिया, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं। तो कह रहे हैं जैसे अपने शरीर में हमको सब जगह अपना आप ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, ऐसी जगत में सब जगह ब्रह्मी ब्रह्म है, ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाया, तिस बिन कुछ नजर ना आया। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वम रूप है, सब मेरी आत्मा है ही भगवान। भक्ति के रूप से है ही भगवान और ज्ञान की दृष्टि से मेरी आत्मा है।
अब जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में सब कुछ हम ही बन गए होते हैं। स्वप्न हमने शादी देखी, उसमें सारे रिश्तेदार देखे, उसमें सब देखा, दूल्हा दुल्हन देखा और सब रिश्तेदार देखे और सब पूरी शादी की डेकोरेशन, खाना पीना सब देखा। वहाँ कौन था? वहाँ सब कुछ मैं ही बन गया था। फिर हम गुरुजी के साथ घूमने गए हिल स्टेशन पे, सत्संग भी हो रहा है, सब सत्संगी भी हैं, सब सब हो रहा है, तो वहाँ सब कुछ कौन बन गया है? वहाँ भी सब कुछ मैं ही बन गया हूँ। कौन है वहाँ, क्या है? कुछ नहीं, स्वप्न है ना, स्वप्न दृष्टि, तो स्वप्न पुरुष ही तो सब कुछ बन गया है। तो वही हमारा ख्याल, हमारा सब कुछ, ऐसे हम कुछ भी सोचते हैं तो सब कुछ वही बन जाता है। जो भी हम सोचते हैं तो हमारी सब हमें पिक्चराइज होने लगता है ना, तो वहाँ जो पिक्चराइज हो रहा है वो सब कौन कौन बन गया? सब कुछ वही आपका ख्याल ही बन गया। तो ऐसे ही कहने जैसे सब कुछ बन जाता है, तो ऐसे ही इस संसार में भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। इस संसार का जो बेसिक मटेरियल है, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो सब परमात्मा है। जैसे इस संसार का बेसिक मटेरियल क्या है? मिट्टी। घर किससे बने? मिट्टी से। लोहा कहाँ से आए? मिट्टी से। अनाज किससे बने? मिट्टी से। सोने, हीरे, जवाहरात कहाँ से आए? मिट्टी से। शरीर क्या है? मिट्टी। सब चीज़ मिट्टी है। ऐसे ही इस जगत में जो तत्व है, जो चेतनता है, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो सब परमात्मा है और कुछ नहीं। अब लाल, पीला, नीला, हरा, हमें बहुत से रंग दिखते हैं, पर ये सब किसके अंतर्गत है? प्रकाश के अंतर्गत। प्रकाश में ही, लाइट में ही विब ज्योर हमें 7 कलर्स दिखते हैं, पर हैं तो सब लाइट में। अलग अलग दिखते हैं पर हैं सब प्रकाश के अंतर्गत। सब के प्रकाश में हमें सब दिखते हैं। सूर्य से ही सब उत्पन्न है, सूर्य में ही हमें दिखते हैं। ऐसे ही ये जगत जो है वो परमात्मा से उत्पन्न है और परमात्मा में ही हमें दिखना चाहिए। है ही भगवान, ये हमारी बात पक्की हो जानी चाहिए। अब दूसरा श्लोक है, 30वां श्लोक 6 अध्याय का। जो सब में मुझे देखता है, जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अब भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में सब में भगवान को देखता है, कि सब कुछ भगवान से है। अभी तो हम कहते हैं हम अलीगढ़ में हैं, अभी हम वृंदावन में हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, पर सब जगह बेस क्या है? है ही भगवान। ये तो व्यवहार में है, तो व्यवहार को न देखते हुए हम परमार्थ को देखें कि है ही भगवान। अब इसमें दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे जब ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने देखा कि भगवान जो है लीला कर रहे हैं। लीला क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो देखा कि भगवान घेरा बना के सब ग्वाल वालों के साथ प्रसाद पा रहे, और उन्होंने एक हाथ में नींबू का चार, एक हाथ में आम का चार, एक हाथ में टेटी का चार, एक हाथ में दाल भात, एक हाथ में कुछ मीठा, और सबको खिलाते जा रहे हैं और खुद भी खाते जा रहे हैं और चाटते भी जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कोई भगवान होते हैं? झूठा खा रहे हैं और खिला रहे हैं, ये कैसे भगवान है? तो उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं इनको, कि इनकी भगवत्ता देखते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले तो वो बछड़े जो थे वो थोड़ा दूर चले गए थे, तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा चलो मैं बछड़ों को देख के आता हूँ। तो भगवान ने देखा बछड़े तो हैं ही नहीं। तो भगवान ने ध्यान से देखा, अच्छा ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिए, तो ब्रह्मा जी चोरी करके ले जाते हैं बछड़ों को। फिर जब भगवान बछड़ों को देख के वापस आए तो भगवान ने देखा कि ग्वाल वाल भी नहीं है। फिर ध्यान से देखा तो ब्रह्मा जी की करतूत, अच्छा तो तुम अभी तो तुमने मेरा दंडवत प्रणाम करके सब जाना था कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ और मैं ही सृष्टि में सब कुछ बन गया हूँ, और तुम अब संशय कर रहे हो।
भगवान ने कहा चलो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। पर भगवान ने क्या करा कि सब ग्वाल वाल भी भगवान बन गए और सब जो बछड़े थे वो भी भगवान बन गए, और जो ग्वाल वाल के कपड़े थे, सींगी थी, जैसे जैसे जो ग्वाल वाल थे छोटे बड़े, जैसे जैसे बछड़े थे, वो सब भगवान बन गए। तो सबने देखा कि मतलब फिर अब क्या हुआ कि इस पूरे लीला को एक साल निकल गया। भगवान ने कितने लोगों के संकल्प पूरे करे। गोपियाँ सोचा करती थी काश हम भी यशोदा मैया की तरह भगवान को दूध पिलाते, तो अब उनके ग्वाल वाल कौन बने हुए हैं, भगवान बने हुए। गैया सोचती थी काश कृष्ण जी भी हमारा दूध पीते, अब बछड़े कौन बने हुए हैं, भगवान बने हुए। तो भगवान ने सबके संकल्प पूरे करे। अब एक दिन बलराम जी देख रहे थे कि जो गायें हैं वो अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए भाग रही, बछड़े भगवान बने हुए हैं ना, और जो ग्वाल बाल हैं वो उनको रोक रहे हैं, पर वो रुक ही नहीं रहे। तो गुस्सा हो रहे हैं ग्वाल बाल, ये तो गाय क्यों भाग रही हैं, पर गाय भाग रही हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। क्यों भाग रही हैं, क्योंकि भगवान का आकर्षण है, बछड़े भगवान बने हुए हैं। फिर जब ग्वाल बाल अपने बालकों को देखते हैं तो क्योंकि बालक कौन बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं, तो वो उनको बड़े प्यार से गले लगाते हैं और उनका माथा चूमते हैं। तो उन्होंने मतलब ध्यान से देखा कि ऐसी लीला तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो बलराम जी ने जब ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा सब कुछ भगवान बन गए, सब कुछ ग्वाल वाल भी भगवान बन गए, बछड़े भी भगवान बन गए। तो ये कौन सी लीला है, बोले वस्त्र आभूषण सब कुछ भगवान बन गए, सींग बांसुरी छड़ियाँ पत्ते छींके, जिस प्रकार वे खाते पीते चलते थे ठीक वैसे ही और उतने ही रूप में सब रूप भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए। उस समय ये संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, संपूर्ण जगत विष्णु रूप ही है, ये वेदवाणी मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई, सब कुछ भगवान बने। तो फिर उन्होंने बलराम जी ने भगवान से पूछा तो भगवान ने सारी बात उन्हें बताई। तो भगवान दिखा रहे हैं कि पूरा जगत विष्णु रूप ही है। जब ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने फिर सब लोग तो फिर सब वो है लीला है, तो भगवान दिखा रहे हैं कि सब कुछ मैं ही बनाऊं। तो ये हो गया कि भगवान कह रहे हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, कि सब कुछ जो कुछ दिख रहा है जड़ चेतन सब मैं ही बन गया। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। तो गुरु हमें हमारी दृष्टि को कैसा बनाते हैं और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, ये हम जज करते रहते हैं, हम राग द्वेष करते रहते हैं, हम दूसरा दूसरा करके देखते रहते हैं, और गुरु हमारी दृष्टि कैसी बनाते, तत्व दृष्टि बनाते हैं, भगवत दृष्टि बनाते हैं। तभी कहा कि गुरु की महिमा कितनी है, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार, कलम लिख लिख के हारी है, जमा गा गा के हारी है, जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी। तो कैसी हमारी दृष्टि होती है, कैसे हमारे भाव होते हैं, और गुरु हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाते। भगवत दृष्टि बनाओ, दूसरा मत देखो। दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल, दूसरा देखोगे तो नरक में ही पड़े रहोगे। किसी को बुरी तरह मत करो, किसी से बुरी तरह मत बोलो, किसी को बुरी तरह मत करो, क्योंकि लौट के तुम्हें ही मिलने वाला है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब भगवान ने कहा जो सब जगह मुझे देखता है, और फिर दूसरी बात क्या कहा, सब में मुझे देखता है। दूसरी बात क्या कहा कि सब जगह मुझे देखता है, देखिए यहाँ तो ये तो विराट रूप हो गया। अब भगवान कह रहे सब में मुझे देखता है, अब इसको हम कैसे समझेंगे। तो भगवान ने कहा कि जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, विराट रूप, तो अर्जुन जो है वो
घबरा रहा था, तो भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया था, और किसी को नहीं दिखा, संजय को दिखा और अर्जुन को दिखा। तो भगवान ने दिखाया है कि सारा युद्ध मुझ में ही हो रहा है, ये सारे लोग काल के मुख में जा रहे हैं, और ये सारा युद्ध, ये सारा संसार मुझ में ही है, ये सारा संसार मेरे अंग मात्र में, मेरे अंश मात्र में स्थित है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खा ली, जब ग्वाल बाल का रूप था, तो यशोदा मैया डांट रही थी, मार रही थी भगवान को, भगवान ने मुख खोला तो सारा ब्रह्मांड दिख गया उनको मुख में, और यशोदा मैया भी दिख गई उसमें, और सारा ब्रह्मांड दिख गया, तो मैया घबरा गई। तो भगवान ने फिर अपनी लीला कर ली और उस लीला को समेट लिया। तो भगवान क्या दिखा रहे हैं कि सब सब मुझ में है और मैं सब में हूँ, मैं ही सब कुछ बन गया हूँ और सब कुछ मुझ में ही है। विराट रूप से ये संसार भगवान का विराट रूप है, भगवान का ही शरीर है। सर्व च मई पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में मेरी अंतर्गत देखता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ मैं ही बनाऊँ। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। संजय ने क्या कहा कि अर्जुन ने सारे संसार को किस में देखा, भगवान के शरीर में, और भगवान को कहाँ देखा, सब में भगवान को देखा, और सारे संसार को भगवान के शरीर में देखा। ऐसे भक्त देखने सुनने समझने को जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। जो कुछ देखने सुनने और समझने में आता है सबको भगवत स्वरूप ही देखता है, उसके अंदर में पक्का रहता है कि है ही भगवान, अंदर में हमारा निश्चय रहता है ही भगवान। तो किसी से राग द्वेष नहीं करेगा, किसी को बुरी तरह नहीं करेगा। अब एक चोर ने चोरी करी तो जज ने पूछा, भाई तुमने चोरी क्यों करी, तो उसने कहा भगवान ने प्रेरणा दी। तो जज ने सोचा अब मैं क्या करूं, जज भी सत्संग में जाते थे, तो उन्होंने कहा भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें 5 साल की सजा होगी। अब चोर चुप हो गया। कहने का क्या मतलब है, जो हो रहा है सब कुछ भगवान में ही हो रहा है। जैसे गुरु लाइट का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम स्क्रीन पे बहुत सारी पिक्चर देखते हैं, आग लग गई, बाढ़ आ गई, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, पर हो किसके आधार से रहा है, स्क्रीन पे कुछ हो रहा है, वास्तव में कुछ हो रहा है, वास्तव में तो वो जो फिल्म है उस पे जो लाइट पड़ रही है, और लाइट चली जाए फिर पिक्चर ख़त्म। तो उस लाइट के आधार से, उस प्रकाश के आधार से वो सारी फिल्म दिखाई दे रही है। ऐसी उस परमात्मा के प्रकाश से, उस परमात्मा के तत्व से, उस परमात्मा की चेतन शक्ति से ये सारा जगत मतलब दिखाई दे रहा है। परमात्मा ही परमात्मा सब कुछ बन गए। अब भगवान कह रहे हैं भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं, इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ। अब कह रहे हैं जो भक्त मुझे सर्वत्र देखता है तो वो मुझे सब जगह देखता है और मैं उसे सब जगह देखता हूँ। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ है, अब बर्फ़ के पीछे बर्फ छुपे तो बर्फ ही है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सब जगह वो मुझे देखता है तो वो मैं उससे अदृश्य नहीं होता, उसका भाव है ऐसा बना रहता है कि यही भगवान सब में मुझे देखता है। स च मीना प्रणश्याति, जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है
मैं उसको उसी प्रकार उसको आश्रय देता हूँ। अब क्योंकि वो भगवान को सर्वत्र देख रहा है तो भगवान भी उसे हर समय देखते हैं। ये या माँ प्रपतनते तान सदैव बचाम्य, जो मेरी शरण जैसे लेता है मैं भी उसको वैसे ही आश्रय देता हूँ। क्योंकि वो मेरी तरफ देख रहा है तो मैं भी उसकी तरफ देख रहा हूँ। तो भगवान तो सभी प्राणियों की तरफ देख रहे हैं, है ना, वो तो एक एक प्राणी की तरफ देख रहे हैं भगवान, तो भले ही हम उन्हें याद करें ना करें, पर जो हर समय उन्हें देखता है तो भगवान उसकी तरफ देखते हैं। विशेष जैसे कुंती ने कहा कि भगवान आपके भाई वगैरह इतना दुख पा रहे हैं तो आपने तो उनकी कोई मदद नहीं करी, तो भगवान ने कहा उन्होंने मुझे याद ही नहीं किया, इतना जुआ खेल गए, इतना कुछ कर गए, मुझे याद ही नहीं किया, मैं कैसे उनकी सहायता करता। द्रौपदी ने याद किया तो मैं उसकी मैंने सहायता करी। अब भगवान हमको हम देखते ही नहीं है, भगवान को याद ही नहीं करते, हम तो अपनी हाय माया में लगे हुए। तो जब हम हमारा मुख भगवान की तरफ नहीं है, सम्मुख हुए जीव मोहि जमई जन्म कोटि अग्नाश ही, तभी जब हम उनके सम्मुख होते हैं सब जगह उन्हें देखते हैं, सर्वत्र हैं ही भगवान, हर समय भगवान को याद रखते हैं, हर समय उनका जप चलता रहता है, हर समय मेरा भाव भगवत भाव, तो भगवान हमसे अदृश्य नहीं होते और भगवान के लिए हम अदृश्य, भगवान भी पूरा उसका योगक्षेम वाहन करते हैं, पूरा उसे देखते हैं, पूरा उसे प्रेम करते हैं। जैसे माँ के तीन बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत माँ को प्यार करता है, हर समय माँ के साथ रहना चाहता है और माँ को बहुत पूछता है, तो माँ क्या करेगी, माँ का भी ध्यान उसकी तरफ रहेगा क्योंकि बच्चे सब उसी के हैं। ऐसे ही अगर हम भगवान को सब जगह देखते हैं और तो भगवान भी हमें, हम भगवान से, भगवान हमसे अदृश्य नहीं होते और हम भगवान से अदृश्य नहीं होते। मैं सब प्राणियों में समान हूँ, ना तो कोई मेरा द्वेषी है ना कोई प्रिय है। अब भगवान कह रहे हैं मैं तो सब प्राणियों में समान हूँ, ना कोई मेरा द्वेषी है ना कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे हैं और मैं उनका। पर जो भक्ति पूर्वक प्रेम से, भगवान कह रहे हैं मैं किसी से ना मेरा राग है ना द्वेष है, पर जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, रात दिन मेरी तरफ देखते हैं, रात दिन मेरे में लगे हुए, वो मेरे हैं और मैं उनका। इसमें व्याख्या में दृष्टांत है, जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी, बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूप में एक भगवान ही है तो फिर किस कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे, क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि का कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग है और अनेक विभागों में वह एक है। वह विवेक विचार विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। अतः सब कुछ परमात्मा ही है, इसको साधक श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले, दृढ़ता से मानने पर फिर वैसे अनुभव हो जाएगा। कह रहे हैं सब जगह है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, ये विचार और विवेक का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। आप दृढ़ता से मान लें, श्रद्धापूर्वक मान लें कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो कह रहे हैं दृढ़तापूर्वक मान लेंगे तो अनुभव हो जाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।